5, 4, 3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आयशा ब्यूटी नेट टिप। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि पुरानी छाइयां हैं, बहुत ज्यादा छाइयां, बहुत अच्छी अच्छी क्रीम्स इस्तेमाल करके देख ली, बहुत ब्यूटी सोप हमने इस्तेमाल किए, डॉक्टर से बहुत ज्यादा मेडिसिन भी खाई, लेकिन छाइयां खत्म नहीं होती। तो ऐसे में हमारा ध्यान जो होम रेमेडी की तरफ जाता है, और होम रेमेडी की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी स्किन को कोई नुकसान भी नहीं होता है। अगर आपको फायदा नहीं मिलता तो आपको नुकसान भी नहीं मिलता है, और फायदा लेकिन मिलता जरूर है। आप ऐसा मत सोचें कि इससे आपकी स्किन को कोई फायदा नहीं मिलता, इसका लेकिन आपको रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक भी आपको इस रेमेडी को इस्तेमाल नहीं करना, इंशाल्लाह आपको बहुत तेजी के साथ अपनी छाइयां खत्म होती हुई नजर आएंगी, और वो भी इस तरीके से कि एक बार खत्म हो गई तो दोबारा से आपकी छाइयां नमूदार नहीं होंगी। तो आज की वीडियो में छाइयों का ही इलाज लेके आई हूं, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। इसके लिए हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है मूली। मूली आपको पता ही है, सब्जी की दुकानों से आसानी से मिल जाती है, सब्जी मंडी से मिल जाती है। किसी भी सब्जी की दुकान से एक छोटे साइज की मूली ले लीजिए या बड़े साइज की ले लीजिए, जो भी आपको अवेलेबल हो। एक मूली आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अगर आपने वॉश नहीं करना है तो इसके छिलके उतार दीजिए, ज्यादा इजी यही रहेगा। आप अच्छे से वॉश कर लें, वॉश करने के बाद कद्दूकश करके इसके 2 चम्मच आपने इसका रस निकाल लेना। मैंने छिलकों समेत इसको कद्दूकश किया वॉश करके, और इसका रस मैंने निचोड़ लिया है, उसमें से 2 चम्मच आसानी से निकल आए। और उसके बाद जो है हमें चाहिए होगा दूध। दूध वो जिसकी बलाई आप निकाल चुके हो, यानी दूध को बॉयल कर लेने के बाद ऊपर जो क्रीम आ जाती है उसको निकाल दें, उसके बाद आपने दूध का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले दूध को बॉयल करें, फिर उसको ठंडा होने दें, उसके ऊपर की बलाई उतार दें, उसके बाद दूध का इस्तेमाल करें। यहां 2 चम्मच मूली का रस और 2 ही चम्मच दूध है, तो ये 2 चम्मच मैं क्रीम निकला हुआ दूध इसमें ऐड कर दूंगी। आपको कच्चे दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब बस इन 2 ही चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा दुनिया का जबरदस्त किस्म का फार्मूला बनके तैयार हो जाता है, जो हर गरीब अमीर के बजट में है, और सब इसको बना सकते हैं और सबको ही इसका फायदा होगा। और सिंपली इसमें कॉटन बॉल लें, उसको इसमें डिप करें, और उसकी हेल्प से आप अपने सारे चेहरे के ऊपर इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अगर आप फुल फेस नहीं करना चाहते तो जहां पर ज्यादा छाइयां है वहां पर अप्लाई करिए, बट मैं आपको यही कहूंगी कि आप फुल फेस ही अप्लाई कर लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा जी, तो अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद आपको इसको कितनी देर के लिए छोड़ना है? 1 घंटे के लिए। तो ये ड्राई तो 3-4 मिनट में ही हो जाएगा, उसके बाद इसको लेकिन आप लगा रहने दें और अपने काम करते रहे, बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि चेहरे के ऊपर कुछ लगा है, कोई चिपचिपाहट भी नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें से क्रीम दूध में से निकाल ली हुई है। तो अच्छा, 1 घंटा आप चाहें तो हाथ की मदद से भी थोड़ा इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा ज्यादा भर के लगाना है चेहरे के ऊपर। 1 घंटे तक भूल जाइए, और 1 घंटे के बाद आप अपने चेहरे को गर्म पानी के साथ वॉश करें। पानी आपने गर्म इस्तेमाल करना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा उबलते हुए पानी का मैं नहीं कह रही हूँ। गर्म पानी से मुराद ये कि पानी गर्म हो, नीम गर्म जिसे बोलते हैं, जिससे आपका फेस या हैंड जले नहीं, लेकिन आप अपने चेहरे को वॉश कर सके। और इस तरीके से आप डेली बेस पे इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कम अरसे में ये आजमूदा नुस्खा है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपको कई किसी भी झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई तरह तरह की रेमेडीज जो है वो सर्च करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ट्रस्ट है, मुझ पर भी यकीन है, तो आप इसी फार्मूले को इस्तेमाल करें। फ्रिज के अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हैं 3-4 दिन के लिए, उसके बाद आप दोबारा से मूली का रस निकालें, चाहे उसी मूली का निकाल लीजिए, थोड़ी सी तो मूली लगती है और उसमें से 2 चम्मच निकल आते हैं, और आप उसके रस में दोबारा से दूध मिलाएं और अपने इसको कंटिन्यू करिए फार्मूले को, तो इंशाल्लाह आपकी छाइयां बहुत आसानी के साथ खत्म हो जाएंगी।